रहीम का बिरयानी कोल्हापुर नाम के गांव में। राम और रहीम नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों दो अलग अलग होटल चलाया करते थे और अपनी जिंदगी व्यतीत किया करते थे। उन दोनों के दुकान का बिरयानी इतना स्वादिष्ट होता था कि दूर दूर से लोग आके खाया करते थे। पर रहीम को ज्यादा मुनाफा होता था, इसलिए राम थोड़ा चिंतित होता था। एक दिन राम ने रहीम से कहा, रहीम, हम दोनों ने एक साथ व्यापार शुरू किया था। लोग कहते हैं कि हम दोनों के बिरयानी का स्वाद एक जैसा है, पर मुझसे ज्यादा मुनाफा तो तुम कमाते हो, ये कैसे होता है? रहीम ने कहा, देखो मियां, मैं जरा दाम कम करके ही बेचता हूं, गरीबों को तो मैं फोकट में खिलाता हूं, इससे ज्यादा तो मैं कुछ करता ही नहीं। अरे ये सब तो अल्लाह मियां का करम है। राम ने सोचा, ये कुछ तो छुपा रहा है, वैसे भी गरीबों को फोकट में खिलाने के लिए ये कोई सराय है क्या? बकवास कर रहा है ये, मुझे नजर रखनी पड़ेगी। एक दिन राम किसी रास्ते से किसी काम पे जा रहा था, उसने देखा एक आदमी जमीन पे गिरा हुआ है और वो पानी पानी पुकार रहा था। तो राम दौड़ के गया, पानी लाया और उसे पिला दिया। फिर वो आदमी उठ बैठा और उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, शायद लू लग गई है, थोड़ी देर हो जाती तो शायद मैं मर ही जाता। तुम्हारे एहसान के बदले में कुछ करने का दिल कर रहा है। मेरे पास एक जल की बोतल है जिसमें मंत्र पड़ा हुआ है, उस पानी को किसी भी खाने पे छिड़क दो तो वो खाना स्वादिष्ट बन जाता है, पर इसे अपने स्वार्थ के लिए या कोई व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे करने पर तुम्हें तकलीफ हो सकती है। ये कहकर उसने शीशी दे दी और फिर वो आदमी वहां से चला गया। राम ने सोचा, अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई, इसकी पानी से मेरी बिरयानी की स्वाद तो और लजीज हो जाएगी। ऐसा मौका मिलने पर स्वार्थी नहीं तो निस्वार्थी बनकर कोई रह सकता है क्या? अरे क्या बकवास करता है ये। इसके बाद उसने दुकान पे बनाई हुई बिरयानी पर शीशी की पानी छिड़क दी। उसे खाकर ग्राहक बहुत खुश हुए। खाते खाते ग्राहक ने कहा, अरे भाई राम, तुम्हारी बिरयानी तो लाजवाब है, पहले कभी इतनी स्वादिष्ट नहीं थी, भाई कौन सा जादू चला दिया आज इस पर। इसके बाद से राम के दुकान पर ग्राहकों का लाइन लग गया और रहीम के दुकान पर लोगों ने तो खाना ही बंद कर दिया था। राम ने बिरयानी का दाम भी बढ़ा दिया और उसने तो नमक मिर्च सही है कि नहीं ये भी देखना बंद कर दिया। एक दिन उसने रहीम से कहा, रहीम भाई, देखा मेरा धंधा चल पड़ा, उस दिन तो बड़ी बड़ी सलाह दिया कर रहे थे, दाम कम करके बेचो, गरीबों को मुफ्त में खिलाओ, तुम्हारे दुकान पे अब कोई नहीं आएगा, जाके कोई दूसरी धंधा चालू कर लो, जाओ। एक दिन दुकान पर दो सिपाही आए और उन्होंने कहा, राम, तुम्हारी बिरयानी के बारे में राजा जी को पता चला है, राजकुमारी के शादी के दावत में तुम्हें ही पकाना पड़ेगा, ये लो 1,00,000 रुपए भिजवाया है, शादी होते ही 2,00,000 रुपए और मिल जाएंगे। ये कहकर उन्होंने उसे पैसे दे दिए। राजा जी के राजमहल में शादी के दिन उसने बिरयानी पकाई और उस पर पानी छिड़क दिया, पर इसके स्वार्थ के चलते उस पानी का मंत्र खत्म हो चुका था। सारे अतिथियों ने उस दिन बिरयानी खाई, बिरयानी बहुत ही गंदा बना था इसलिए वो खा ना सके और उड़ गए। उन्हें उठते हुए देख महाराज ने पूछा, अरे क्या हुआ, सब लोग खाना छोड़ के क्यों जा रहे हो? एक गांव वाले ने कहा, महाराजा आप बुरा ना माने तो बताएंगे, अरे बाप रे, इतनी बुरी बिरयानी तो हमने जिंदगी में नहीं खाई। किसी और ने कहा, युवरानी के शादी में आकर इस तरह से आपसे बात करना, हमें माफ कर दीजिएगा, पर बात तो सच है महाराज। महाराज गुस्से से आग बबूला हो गए। इसके बाद राम को उन्होंने कारागार में बंद कर दिया। तो बच्चों, ज्यादा अहंकार होने से दुख ही मिलता है। राम का हालत भी इसी वजह से बिगड़ा। अच्छी लगी हमारी कहानी?